Ligou. É act be let, qual é? Why be act, a palavra que é digo é. Tomar uma lacã, a tocará é. Bolo. X or Y. अब करना क्या जैसे ऐसे हिसाब दिया रहे तो समझ जाना है ये क्या है अवकल समीकरण है इसी को हम क्या कहते हैं अवकल देखो पहले एक्स और वाई आ गया जी एक्स वाई के फॉर्म में कुछ भी दे उसे हम क्या कहते हैं अवकल समीकरण कहते हैं जैसे टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर जीरो हो कि चार हो इसे हम क्या कहते हैं तो समझो कि ये टू है ये आपका क्या हो गया ये आपका क्या हो गया कोई चीज न है ये आपका क्या हो गया इसको समझने में कोई दिक्कत है ये क्या है अवकल समीकरण जिसको हम क्या बोलते हैं डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण अब देखिए किसी भी चीज का इंटीग्रेशन निकालिए किसी भी चीज का इंटीग्रेशन निकालिए जैसे फंक्शन क्या है ये यहाँ पर साइन एक्स है समझ गया ना जी इसका डेरिवेटिव जो होगा ये एक्स के ही फॉर्म में होना चाहिए किस फॉर्म में होना चाहिए क्या करेगा वाई के फॉर्म में रहेगा निकलेगा नहीं निकलेगा इसका इंटीग्रेशन होगा ही नहीं एक्स है तो ये क्या होगा एक्स में होना चाहिए आप देखो ये जो सवाल आपको यहाँ पर दिया गया है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बराबर जीरो तो देखो ये जो फंक्शन है ये क्या है वाई फंक्शन फलन ये क्या है फलन तो यहाँ पर एक्स है तो इसका भी फॉर्म क्या होना चाहिए इसका देखो यहाँ पर वाई है तो ये यहाँ पर भी फलन क्या होना चाहिए तो मामला इसको देख रहे हो ना ये अटक रहा है ना मामला इसको क्या करोगे कैसे मामला को सोल्व करोगे अब एकदम दिमाग लगाना है अब करे तो करे क्या करे तो करे क्या फिर देखो इसका मामला खत्म करने के लिए इसका मामला खत्म करना है यहाँ से क्या उड़ाना पड़ेगा एक्स को उड़ाना पड़ेगा तो यहाँ से एकदम जो है चुपचाप एक्स लिख दो लिख दिया यहाँ का मामला क्या है वह है ना तो यहाँ पर ऐसे वाई लिख दिया यहाँ पर वाई लिख दिया ना क्या लिखेगा से भाग देने पर से भाग देने पर ऐसे लिख दिए अब भाग दे दो एक्स क्या हो गया डी वाई बटे क्या होगा एक्स वाई ये क्या है प्लस ये वाई अब बटा क्या होगा एक्स वाई जीरो बटा क्या करेगा नियम है ना समान संख्या से दोनों तरफ हम भाग दे सकते हैं अब देखो मामला जो है सोल्व हो जाएगा ई एक्स कट गया ये खत्म अब क्या बचा डी वाई बटे वाई प्लस डी एक्स बटे एक्स बराबर जीरो डी एक्स बटे एक्स ये क्या हो गया जीरो इंटी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दोनों तरफ क्या करेगा समाकलन नहीं करेगा दोनों तरफ समाकलन करने पर समझ गया ना इंटीग्रल साइन समाकलन चिन्ह लगा देना है अब एक्स और वाई के सापेक्ष नहीं लिखना है समझ गया ना एक्स और वाई के सापेक्ष वहां पर लगा हुआ है ही अपने आप तो क्या करोगे बोलो ये डी वाई अब बटे क्या होगा वाई और डी एक्स बटे क्या होगा एक्स हो गया ना अच्छा ये तो इधर क्या है जोड़ में ही है ये ऐसे जीरो यहाँ पर डी एक्स लगा दो कि डी वाई लगा दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है डी एक्स लगाओ कि जीरो में कुछ हो गुना करो जी दिक्कत है आप बोलो आपको हम लिखाए हैं फॉर्मूला नहीं लिखाए हैं वन बटे एक्स का लॉग एक्स होता है इंटीग्रेशन नहीं लिखा है तो लिख लो ये क्या होता है लॉग एक्स होता है ना जी तो बोलो यहाँ पर क्या लिखोगे
एक्स लिखेंगे कि वाई लिखेंगे? एक्स होता है तो एक्स लिखते हैं, वाई होगा तो वाई। ये क्या है अब इसके लिए क्या लिखोगे? ये हो गया ना जीरो का, देखो जीरो है ना, जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है? के होता है। क्या होता है? जीरो का इंटीग्रेशन के, समझ गया ना? जीरो का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, सिर्फ क्या होता है कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, कॉन्स्टेंट का जो होता है डिफरेंशिएशन क्या होगा? और जीरो का इंटीग्रेशन के, समझ गया ना? अब क्योंकि ये लॉग वाले फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, तो कॉन्स्टेंट को भी लॉग वाले फॉर्म में लो, किस फॉर्म में लेगा? कॉन्स्टेंट को हम लॉग के लिख सकते हैं, लिख दिए लॉग के, क्या हो गया कॉन्स्टेंट हो गया, क्या हो गया? अब देखो, अब एक फॉर्मूला होता है लॉग एम जोर लॉग एन, लॉग एम जोर लॉग एन क्या होता है? लॉग एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन यानी एक्स वाई, ये हो गया ना, ये बराबर क्या होगा? लॉग के हो गया कि नहीं हुआ? चलो ये लॉग के हो गया, तो ये लॉग और ये लॉग खत्म हो सकता है, ये हो गया ना, यही इनका देखो 2020 के लिए भी है। बोलो इसको कौन कौन बना सकता है, किनसे किनसे बन जाएगा इस सवाल को, कौन कौन बना सकता है? जो बना क्या करोगे? इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग लिखेगा, इंटीग्रेट नहीं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दीजिए एक्स डी एक्स प्लस क्या हो गया वाई डी वाई, ये जीरो डी एक्स ऐसे कर दिए, यहाँ पर डी वाई भी ले सकता है, कोई बात नहीं। अब देखो एक्स डी एक्स का क्या होगा? सिंपल इंटीग्रेशन है, अगर यह नहीं बनेगा तो भारी वाला इंटीग्रेशन कैसे बनाएगा? क्या होगा हम क्या बोले, पावर में एक जोड़ देते हैं, पावर से भाग दे देते हैं, नहीं कुछ पावर है तो क्या है, पावर में एक क्या करोगे, पावर से क्या करोगे, एक जोड़ एक कितना हो गया दो, ये नहीं समझता है ना, तो यहाँ पर लिख दो एक जोड़ एक, अब समझेगा ना, अब ये की छेदक होते अचानक प्लस लिख दिलिये, आप तो ही बोलो देखो पावर एक छे ना, की करबो बटन की दबो प्लस जीरो के इंटीग्रेशन की है तो समझ गलो ना, ठीक है तुम फोन कर दो, नंबर का सवाल है, ये डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई ए कोट एक्स, ये टू कोस एक्स, बोलो क्या ये कौन डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये एकल मतलब ये सब कौन सी नाम क्या है, उसी फॉर्मूला बनेगा नहीं, इसको अच्छी कहते हैं सर, कौन सी बोलो, एक घाती है, एक घाती है अवकल समीकरण नहीं है, गाना तो ठीक हुआ, एक घाती है अवकल समीकरण नहीं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो आई है, तो कहना क्या बोले आप, हम तो कुछ कौन सा लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ गया, एक है तो लिनियर तो हो गए, वही पढ़ना वही देखो होमोजेनियस नहीं होता है, फॉर्मूला बता दिया, चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई एफ इक्वल टू निकालना होगा पहले,
ये क्यों होता है ना, देखो उसी फॉर्म में है ना, इसका पी क्या हो गया, ये इसका क्यू क्या हो गया, बोलो तो, ये हो गया ना, ठीक है। जब उस फॉर्म को पकड़ ले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वाई इंटू आई एफ बराबर वाई आई एफ, आई से इंटीग्रेशन एफ से फैक्टर, फैक्टर इसको हम बोलते हैं समाकलन गुणांक, समझ गया ना, या समाकल गुणांक कहते हैं। अब बोलो क्यू गुना आई एफ डी एक्स प्लस के एस, ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बोल सकते। तो आप देखो अब निकालना क्या है आई एफ, अब क्या निकालना है आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पावर पी डी एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेगा ये होता है ई टू दी पावर पी डी एक्स, पी डी एक्स ई टू दी पावर क्या होता है, देखो इस पर जरा ध्यान दो, इस पर अगर ध्यान दे दिया ये 100% याद रखो, इनसे संबंधित ये वो ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही, कोई काट नहीं सकता है। और यहाँ सीख लो कैसे हम समाकलन गुणांक निकालते हैं, समझ गया ना, आराम से निकाल देगा। देखो ऐसे कर दिए, अब पी का मान कितना है, कोट एक्स कितना है, कोट एक्स डी एक्स हो गया ना। अब देखो कोट एक्स का लॉग साइन एक्स क्या होता है, लॉग साइन एक्स, कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, क्या होता है लॉग साइन एक्स, तो लॉग क्या हो गया साइन एक्स। अब देखो ई पावर लॉग ए, ई पावर लॉग ए का मान क्या होता है, ई पावर लॉग ए का मान क्या होता है, तो एक स्थान पर यहाँ पर क्या है बोलो तो क्या निकल आएगा बाहर, साइन एक्स बाहर निकल आया। अब ये जो साइन एक्स आई एफ का मान निकला है इसको क्या करोगे, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, इनको समीकरण हम मान लेते हैं एक, समीकरण एक में रख दो तो ये y हो गया, आई एफ का मान क्या है साइन एक्स तो निकला। अब देखो तो आई एफ का मान क्या निकला, ये यहाँ पर क्या है बराबर, ये क्या है इसको क्या बोलते हैं समाकलन चिन्ह। अब देखो q का मान क्या है, अब देखो ये क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान कितना निकला है साइन एक्स डी एक्स प्लस के। अब बोलो टू कोस एक्स इंटू साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है साइन टू एक्स, साइन टू एक्स इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन टू एक्स, समझ गए ना, यहाँ मतलब साइन टू एक्स के मान है टू कोस एक्स इंटू साइन एक्स या टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, जे चीज बोले का मन सब बोलो। ये एकदम भरपूर बोलिए जितोर बोलिए, वाई क्या हो गया साइन एक्स, अच्छा बोलो साइन के किए थे साइन के कोस, साइन के किए छे कोस ऐसे ना, समझ गलो, अच्छा कोस एक्स के डिफरेंशिएशन किए छे माइनस साइन ऐसे ना, तो इसमें कोस के माइनस नहीं छे इसमें साइन के माइनस है छे, समझ गलो ना जी। तो साइन जे बदलते है कौन चीज में बदलते है माइनस कोस में, साइन कौन चीज में बदलते है एक्स रहते तो एक्स हेते टू एक्स रहते तो की हेते थ्री एक्स रहते तो की हेते, समझ गया ना, तो क्या होगा माइनस कोस टू एक्स। अब देखिए एक्स में जो चीज गुना रहेगा उसी से हम भाग देते हैं, एक्स में क्या चीज गुना है दो, दो गुना है ना, एक्स में क्या चीज गुना है दो, डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं गुना करते हैं, इंटीग्रेशन में हम भाग देंगे, ये बटा दो हो गया प्लस क्या हो गया ये हो गया ना, तो हो गया। अब आराम से गुना कर दीजिए टू वाई साइन एक्स माइनस कोस टू एक्स प्लस क्या हो गया ये टू वाई साइन एक्स
प्लस कॉस क्या हो गया टू एक्स प्लस टू के, ये आंसर हो गया। फिर से देखो ये सवाल किस प्रकार से बनेगा। LHS यहाँ पर लिख दिया, सर उसमें स्क्वायर दिया हुआ है, उसमें सवाल होगा ही इसीलिए देखो तो वेक्टर ए क्रॉस बी का इनका फॉर्मूला क्या होता है, ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा एन कैप होता है, क्या होता है, ये भी साइन थीटा एन कैप होता है। देखो एन यूनिट वेक्टर होता है, एन क्या होता है यूनिट वेक्टर, इसलिए मोड से हटाएगा, मोड से हटाओगे एन क्या होगा गुम हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा गुम, क्यों, क्योंकि एक का वर्ग क्या होगा एक ही होगा, उनका वर्ग मूल एक ही होगा, समझ गया ना। एन क्या है यूनिट, यूनिट मतलब एक, तो क्या मॉडुलस से निकल के आएगा, ये भी साइन सर स्क्वायर कहाँ दिए थीटा, ये अब हो चुका है तो उसको ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये साइन स्क्वायर थीटा। अब आर एच एस में चलो ई टू दी पावर लॉग एक्स बराबर एक्स होता है, सो इधरेस कर दीजिए डायरेक्ट ई टू दी पावर लॉग एक्स बराबर एस, जो इसमें गुणा हो रहा था वही इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स, यानी आर एच एस बराबर देखो इनको हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, इनको हम क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ये क्या होगा आई एस स्क्वायर, ये ऑब्जेक्टिव के लिए खाली समान का गुणन किया था इसका ये मत करो अब नहीं लगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन दे रहा है कोस का है, कोस थीटा होगा डॉट प्रोडक्ट में होता है ए बी कोस थीटा, समझ गया ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या होता है ए बी कोस थीटा, क्या होता है इनका ये फॉर्मूला ही होता है, ये इनका फॉर्मूला ही होता है। अब होल स्क्वायर करो, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर माइनस ये देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा, अब देखो ये और ये क्या है कॉमन है बाहर आ जाएगा, यहाँ पर वन बचा वन माइनस क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा, अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये समीकरण एक हो गया, ये समीकरण क्या हो गया दो, इक्वेशन एक एवं दो से LHS बराबर RHS प्रूफ LHS RHS आपस में क्या हो गया बराबर।